ठीक है जी, तो सरकारी छुट्टियां होती हैं वो लिस्ट डाल रखी है, इसमें स्पेशल क्या कर रखा है मैंने कि ये जितना डेटा है इसको एक नाम दे रखा है एचएल करके, ठीक है जी, इक्वल टू एचएल करूंगा मतलब उसका होगा कि ये डेट्स, ठीक है जी। मान लीजिए मुझे VLookup वगैरह में देना है तो एचएल से ही रेफर हो जाएगा पूरा डेटा। इसी तरीके से इसमें क्या कर रखा है मैंने, यहां पे मैंने कर रखा है एम्प्लॉय आईडी डालता हूं, ठीक है जी, और डेट डाल देता हूं कब छुट्टी ली थी उन्होंने, ठीक है जी। एम्प्लॉय आईडी को मैं डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट के थ्रू भी कर सकता हूं, ठीक है जी, वैसे ही लिया हुआ है और डेट लिया हुआ है, अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि कोई डेटा नहीं, इस कारण अभी आ नहीं रहा है। यहाँ पे VLookup लगा रखा है कि जैसे एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करेंगे अपना पर्सन का नाम भी आ जाएगा। अभी मैंने डेटा डिलीट कर दिया है। तो सबसे पहले इसमें बनाएंगे हम लोग मंथ और उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना तो बड़ी बात नहीं है, वही डेटा में जाके आपने टाइप करनी है, लिस्ट में जाके डेटा वैलिडेशन में 1 से 12 तक यहाँ टाइप कर दिया और 2014, 2015, 2016 यहाँ टाइप कर दिया, ठीक है जी। ये हो गई मेरी मंथ के लिए, ये हो गया मेरा ईयर के लिए, ठीक है। मंथ ईयर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, कोई भी मंथ ईयर सिलेक्ट कर लिया। अब एक टाइटल भी देना है मैंने, एक चीज और, जब इससे मुझे डेट बनानी है तो मैं क्या करूंगा, एक डेट का फॉर्मूला होता है मेरे पास, ठीक है। डेट का फॉर्मूला पहले मांगता है ईयर, ईयर मैंने यहां से दे दिया, ठीक है जी। मंथ मैंने यहां से दे दिया, ईयर मंथ यहां से दे दिया और एक मैं अपने आप दे देता हूं, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट से इसको डबल डिजिट डेट ले लेता हूं, ठीक है जी। हालांकि ये 01 दिखा रहा है पर जब मैं यहां से चेंज करूंगा तो ये उस मंथ की डेट बन जाएगी, उस ईयर की डेट बन जाएगी, ठीक है जी। जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो यहां पे मैं अगर टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा दूं और इस डेट में से डेट को, टेक्स्ट का फॉर्मूला हमेशा वो फॉर्मेट टेक्स्ट कस्टम फॉर्मेट यूज करते हैं ना वो दिखाने के लिए। मान लीजिए अब ये डेट फॉर्मेट है तो मैं इससे कुछ भी दिखा सकता हूँ, मैं मान लीजिए ये दिखा देता हूँ 4 बार M डाल के डैश डबल Y, ठीक है जी। इसका मतलब है फुल मंथ नेम एंड ईयर नेम, ठीक है जी। तो मैंने इससे लिंक किया है और ये लिंक है इससे, तो जैसे ही मैं यहां बदलूंगा ये भी बदल जाएगा, ठीक है जी। एक चीज हो गई है, इसके ऊपर ही मान लीजिए मुझे कौन सा दिन है वो पता लगाना है, तो जिस तरह से टेक्स्ट का फॉर्मूला यहाँ लगाया था उसी तरह से टेक्स्ट का फॉर्मूला यहाँ लगा दूंगा कि नीचे वाले डेट में 3 बार DDD डाल दूंगा तो ये मुझे क्या दिखाएगा, यहाँ पे संडे मंडे दिखा देगा। अब देखिए जैसे ही मंथ चेंज होता है पहली तारीख को क्या है ये मुझे बताता जा रहा है, ठीक है जी। काफी हद तक काम तो हो गया इसमें, मुझे सिंपल सी चीज करनी क्या है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है +1, डेट है प्लस हो सकती है, तो जब इस वाली में प्लस हो रही है इसी से रिलेटेड बाकी सारी रहेगी। 31 तक मैंने खींच लिया और ये फॉर्मूला भी ऐसे ऐसे खींच लिया ऊपर संडे मंडे, ठीक है जी। तो ये एक तरह का कैलेंडर बन गया, जैसे ही मैं करता हूँ ऊपर संडे मंडे चेंज हो जाता है, ठीक है जी। अब जैसे मैंने फरवरी का मंथ लिया उसमें क्या है 1 से 28 तक जा रहा है, 28 के बाद अगला महीना शुरू हो गया तो ये मार्च की डेट दिखानी है, ठीक है जी। इनका करते हैं पर पहले टाइटल में करते हैं कि जैसे अटेंडेंस फॉर द मंथ लिखना है तो मैं एक फॉर्मूला के तौर पे लिखूंगा अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ
इन्वर्टेड कॉमा और कंकैटिनेट कर दूंगा ये जो टेक्स्ट का फॉर्मूला मैंने इधर लगाया इससे, ठीक है जी। इक्वल टू से पहले इसको उठा के ले गया मैं, इसको ही ले गया और यहाँ एंड लगा के वो फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया मैंने और बड़ा कर दिया टाइटल की तरह। तो जब मैं यहाँ से मंथ चेंज करूंगा तो अपने आप ऊपर का टाइटल चेंज हो रहा है, नीचे का कैलेंडर चेंज हो रहा है, ठीक है जी। अब बात रही इसको रोकने की कि एंड डेट आते ही रुक जाए, तो किसी भी डेट का एंड डेट जानने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ईओ मंथ, ठीक है जी। ईओ मंथ अगर मैं ये डेट दूंगा, पहला होता है डेट मांगता है, फिर उसके बाद मंथ मांगता है, यहाँ जीरो देते हैं। अगर उसी महीने की चेक करनी है, उससे अगले महीने की करनी है तो वन आएगा, उससे अगले से अगले की करनी है तो टू आएगा, मतलब जितने महीने आगे बढ़ा देंगे उतने महीने बाद की एंड डेट दिखा देगा। तो ये एंड डेट जो दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है 30 सितंबर, जब सितंबर का सिलेक्ट है, ठीक है जी। कोई और सिलेक्ट करेंगे 31 अक्टूबर, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा इस ईओ मंथ के फॉर्मूले को, हाँ ये चीज मुझे फिक्स करनी है कि यहीं से ही डेट ले, तो F4 दबा के डॉलर लगा दूंगा इसके आगे। अब मैंने ये फॉर्मूला डालना है अपने उस फॉर्मूले पे जिसके बाद कुछ मिनिमम नहीं हो सकता, जैसे 28 के बाद यहाँ 3 डेट में डाल दूंगा वो फॉर्मूला, इससे आगे डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 28 तक तो हर डेट में होगा ही होगा। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा इसमें करूंगा, इफ अगर ये प्लस करके E5+1 इज ग्रेटर देन ईओ मंथ मतलब एंड ऑफ मंथ इस डेट से, मैं फोर कर देता हूं, इससे ज्यादा हो जाता है ग्रेटर देन है तो क्या करना है ब्लैंक करना है, अदरवाइज यही वाली कैलकुलेशन कायम रखनी E5+1, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा काम हो गया अपना, कहाँ एरर कहाँ दिखा रहा है, लॉजिकल टेक्स्ट ईओ मंथ वैल्यू इफ ट्रू में सही है, वैल्यू इफ फॉल्स, यहाँ इसको रेफरेंस की तरह नहीं ले रहा है, इसको रेफरेंस की तरह दिलवा दे तो +1, क्या कह रहा है कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, अच्छा ईओ मंथ में तो बीच में वो जीरो भी लेता है ना, यहाँ मैंने जीरो दे दिया, ठीक है। तो अभी है तो है, आगे मैंने फॉर्मूला ड्रैग कर दिया, ठीक है जी। फरवरी में देखेंगे जाके तो क्या यहाँ तो ब्लैंक हो गया, पर यहाँ एरर दिखा रहा है क्योंकि E+1 है, मतलब ये जो है आगे वाली डेट में प्लस करता है, जब यहाँ ब्लैंक है तो वो प्लस क्या करेगा, तो एरर दिखा दे रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, इससे पहले एक एरर भी लगा देते हैं कि अगर कोई एरर आए तो क्या करना है ब्लैंक दे देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए, ठीक है जी। इसको ड्रैग कर दिया, ऊपर का फॉर्मूला कोई एरर नहीं देता है, अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं देता है, ठीक है जी। तो ये ब्लैंक आ गया, अब ये कैलेंडर की तरह सेट हो चुका है, जैसे हम ये कर रहे हैं मंथ बदलेंगे फुल आएगा जहां होगा एंड ऑफ मंथ और जहां नहीं होगा वहां नहीं आएगा, ठीक है जी। सितंबर 30 तक, फरवरी 28 तक, ठीक है जी, कैलेंडर की तरह काम करने लगे। इसके साथ ही एक काम ये कर रहा था ये कि इसमें जो पहले मैं एम्प्लॉय आईडी कर देता हूँ, EID नेम और यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, इनको मैं वही पुरानी फाइल से ही दे देता हूँ, क्यों फालतू में लिखने की मेहनत करो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह मैं यहीं से उठा लेता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी कि एक तो सबके पास ये था बॉर्डर्स थे, पूरे पे लगा देता हूँ क्योंकि वो 31
का भी महीना होता है, तो पूरे पे एक तो मैंने अप्लाई कर दी है ऑल बॉर्डर्स। सारे बॉर्डर आ गए। अब बॉर्डर में क्या हो रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूं तो इधर जा रहा है। अब यहां बारी आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, ये वाले बॉर्डर ना दिखाए जब ये ब्लैंक हो, ठीक है जी। अब इनमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग चलने लगेगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले मैंने क्या करना है, सैटरडे संडे को येलो दिखाना है, ठीक है जी। इसको ऐसे येलो दिखाना है, इतने पोर्शन दिखाना है। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बनाना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ कर देता हूँ मैं ये फॉर्मूला की, और जबकि यहाँ लगाऊंगा नीचे, ये ऊपर से ही लगा लूंगा कि अगर ये सेल इक्वल टू सैटरडे है या संडे है तो और का फॉर्मूला भी, और का फॉर्मूला भी लगा दूंगा उसमें, क्योंकि दो कंडीशन है, दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो ट्रू दिखाए, ठीक है जी। या फिर ये इक्वल टू संडे हो, सैटरडे हो या संडे हो, ठीक है जी, तो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दे देगा। बट जब हम इसको यहाँ पे पूरे में इसको फॉर्मेट प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो क्या है कि इसके डॉलर्स वगैरह बदलते, इनके रेफरेंसेस बदल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से लॉक करने हैं ताकि इसकी जो है रो यही रहे, तो रो को लॉक कर देना, कॉलम बदल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, रो को लॉक कर देते, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेता हूँ, इक्वल टू तक कर दिया, ये पूरा ही होता है। यहाँ पे आके मैं न्यू रूल में जाके यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन पिक्सेल फॉर्मेट पेस्ट कर देता हूँ, और फॉर्मेट से मैं चूज कर लेता हूँ येलो पे, ठीक है जी, ओके। फिर फॉर्मेट प्रिंटर से इसको पूरे को अप्लाई कर दिया, ठीक है। यह कस्टम फॉर्मेट था इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ गया है, पर इसको भी सही कर लेता हूँ। कस्टम फॉर्मेट में यहाँ पे जी, ठीक है जी। तो अब सैटरडे संडे आ रहा है, आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ सैटरडे संडे अपने आप हाईलाइट हो रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा था कि बॉर्डर्स नहीं आने, पर उससे पहले मैं एक चीज देखूंगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि तो मुझे एडिट करने में दिक्कत होगी। तो इस वर्कशीट में मैंने देख लिया कितनी है, एक ही लगी हुई है, ठीक है। इनकी एप्लीकेशन जो है वो सही होनी चाहिए, 4 से लेकर 10 तक तो अभी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है सेम 2 बार आ जाती है, तो इनके एप्लीकेशन ठीक कर लेंगे यहाँ से, यहाँ जो रेफरेंस है ना वो एक ही कर लेंगे, ये तो एक ही फॉर्मूला को 2 बार दिखाएंगे। अब मैंने करना है एक फॉर्मूला इसके लिए बनाना है कि अगर ये इक्वल टू ब्लैंक हो तो यहाँ फॉर्मूला सीधा सा है कि अगर ये इक्वल टू ब्लैंक है, इसमें भी रो लॉक करनी है, ठीक है जी। सिर्फ इतना सा ही फॉर्मूला कॉपी किया और यहीं अप्लाई कर दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, फॉर्मेट में क्या करना है, बॉर्डर में चले जाना है। ये इसका मतलब है ऑप्शनल होता है, देखिए 3 तरह से होते हैं, या तो होता है या तो नहीं होता है, या तो होता भी है नहीं भी होता है। तो ये जो हल्का हल्का आपको साइन सा दिखाई देता है ना, इसका मतलब है भी है नहीं भी है। तो इसको क्या करेंगे, नहीं पे सेट कर देंगे एकदम, डैश्ड में नहीं रहने देंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे ये फॉर्मूला ट्रू हो ब्लैंक हो तो ये पूरा क्लियर कर दे बॉर्डर जो है, ठीक है जी। अप्लाई कर दिया,
अब इसको ओके कर दिया और इस फॉर्मेट प्रिंटर से इसके एरिया में इसको डाल दिया। ठीक है जी, डाल दिया। अब क्या करेंगे, कोई भी बदल के देखेंगे तो बॉर्डर आ जा रहे हैं, आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से चलता है, बॉर्डर भी कंट्रोल हो गए हमारे। इसे एक बार देख लेता हूँ कि कहीं तो एक क्वेश्चन था मेरे। हाँ जी, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था, जो सैटरडे संडे के लिए फॉर्मूला लगाया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यदि सीधे में जाके लिख देता सैटरडे कॉमा संडे पे येलो हो तो काम नहीं करता? कहाँ पे सीधे कैसे, मतलब हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने फॉर्मूला डाला सैटरडे संडे के लिए, यदि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला ना डाल के सीधे सैटरडे संडे लिख देता तो काम नहीं चलता? सैटरडे संडे देखिए, उसमें क्या है कि हमें रेफरेंस खाली वो एक ही सेल पे लगा पाते ना। क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अगर मैं इस सेल की बात करूं और यहां लगाता तो ऊपर का सैटरडे संडे है, मुझे इंडिविजुअली हर एक का सेट करना पड़ता ना, कि यहां अगर ऊपर संडे हो तो, है ना, यहां पे एक बार में सेट हो जाता। मान लीजिए मुझे यहां पे थर्सडे है तो कोई और कलर करना है, तो मैं क्या करूंगा, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू थर्सडे, ये टाइप कर दिया। अब इसमें कोई बनता ही नहीं है ना, कैसे बनेगा, जब यहाँ थर्सडे है ही नहीं तो हाईलाइट कहाँ होगा, ऊपर वाला ही होगा ना, अगर मैं उसको सिलेक्ट करूंगा तब वही होगा ना खाली, है ना। मान लीजिए इसमें जाके मैं इसको कर दू इक्वल टू, तो सिर्फ यही वाला हो रहा है ना, नीचे वाले तो नहीं हो रहे ना, इसका कोई तरीका नहीं है ना, इसीलिए इसीलिए फॉर्मूला होता है, ये पूरी की पूरी मुझे हाईलाइट करा है। मतलब कंडीशन कहीं और सेल में चेक करे, एप्लीकेशन कहीं और हो। ओके ठीक है जी, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला इसी का ही तो है। अब क्या करते हैं कि जहां टुडे की वैल्यू आए, सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर ये जो डेट है वो इक्वल टू टुडे हो, आज की डेट का मैं थोड़ी सी अलग से फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, जब आज की डेट आए तो इसमें क्या करनी है, रो लॉक करनी है, मुझे डॉलर लगा दिया। ठीक है जी, कॉपी किया मैंने इस फॉर्मूले को और यहाँ पे जाके न्यू रूल यूज फॉर्मूला डाल दिया। फॉर्मेट मैंने सेट करना है कि ब्लू कलर का दिखाया, या और थोड़ा सा बोल्ड भी दिखाया तो फॉन्ट पे जाके मैं बोल्ड कर देता हूँ, तो सारी चीजें बोल्ड दिखा दी। ओके, अब फॉर्मेट प्रिंटर से इसको अप्लाई कर दूँ, अप्लाई कर दिया। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ आज क्या क्या कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर, ये देखता हूँ आ गया नवंबर बोल्ड टुडे की डेट। ठीक है जी, इसके अलावा क्या करना है, हमारे पास एक हॉलीडे लिस्ट पड़ी है जिसको मैंने बताया कि एचएल में, तो कोई भी डेट अगर चेक करनी है कि इसमें है कि नहीं है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला लगता है काउंट इफ। ठीक है जी, काउंट इफ तो पता है ना आपको, तो कोई भी रेंज है, जैसे ये रेंज है, इसके अंदर मैं क्राइटेरिया में कोई भी डेट दे सकता हूँ, okay. है कि नहीं, 14 डाल के देख लेता हूँ, सेम डाल के देख लेता हूँ, तो ये कह रहा है एक, मतलब काउंट करता है कि कितनी बार आया है, तो एक का मतलब है कि कुछ वहां पे मिल गया उसे, अगर कोई और डेट होती जो उसके अंदर ना होती तो नहीं आता, जैसे 24 जनवरी डाल दो तो जीरो आया। अब इसमें हम कंडीशन क्या लगा देंगे, ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करना है, ग्रेटर देन जीरो और नॉट, सीधी सी बात है ट्रू फॉल्स में आंसर आएगा। ठीक है जी, इसी तरह का फॉर्मूला मैं यहां लगाऊंगा,
काउंट इफ रेंज जो है एचएल और उसके अंदर जो क्राइटेरिया रहेगा मेरा ये रहेगा, इसमें मैं पाइप को लॉक कर दूंगा, एरो को लॉक कर दूंगा, ठीक है जी। और ये ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं, ठीक है जी। तो फॉर्मूला आ गया मेरा, कॉपी किया मैंने यहाँ पे न्यू रूल यूज फॉर्मूला, फॉर्मेट में मैं थोड़ा सा इसका कलर जो है ऑरेंज सा कर दिया, फॉर्मेट प्रिंटर से फिर अप्लाई कर दिया मैंने सब में। तो नवंबर में तो छुट्टी नहीं, क्या दिसंबर में होनी तो चाहिए, जनवरी में 24 जनवरी 25 को थी। तो ये 2 जनवरी का तो देखो हो रहा है कि नहीं यार, कुछ गड़बड़ है फॉर्मूला में। अच्छा D50 सिलेक्टेड हो गया है, इसलिए तो गड़बड़ आ गया। तो वहां मैं क्या करता हूँ, अब मुझे एडिट करना है, ये भी चीज है, पूरे पे अप्लाई है इतने पे वो, या नहीं तो वर्कशीट सिलेक्शन से जाके दे सकते। तो मेरा ये वाला फॉर्मूला था, एप्लीकेशन सही है, फॉर्मूला ठीक करना है, हटाना है, ओके अप्लाई। तभी गड़बड़ है क्या, ये डेट क्यों नहीं फाइंड कर रहा, यहाँ तो मैंने सही लिखा है 2 जनवरी 14 और यहाँ ये भी है 2 जनवरी 14, बट काउंट इस वैल्यू को ओके यहाँ ऐसे करना, ब्रैकेट बंद करके। अब ये ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं, तब ट्रू फॉल्स में आएगा, फॉर्मूला मैंने गलत लगा दिया था, वापस से मैं उस फॉर्मूला को सही कर देता हूँ जाके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने जरूर ये आला था, यहाँ फॉर्मेट ओके अप्लाई अब आ रहा है, ठीक है जी, अब आ रहा है, ये सही आ रहा है। बट इसमें क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि सैटरडे 25 जनवरी को छुट्टी थी, मैं चाहता हूँ प्रायोरिटी जो रहे सबसे पहले किसकी रहे, सैटरडे संडे की रहे, ठीक है जी। यानी कि अगर सैटरडे संडे है तो पहले पीला ही दिखाए, ये दूसरे वाला ना दिखाए। टुडे है तो टुडे भी टुडे में, टुडे की भी प्रायोरिटी सैटरडे संडे और हॉलीडे के बाद होनी चाहिए, ठीक है जी, टुडे ना दिखाए। तो सबसे पहले जिसकी प्रायोरिटी रखनी है उसको सबसे ऊपर कर सकते हो, ये पीला वाला सबसे ऊपर हो गया, सेकंड नंबर पे ये हो गया, थर्ड नंबर पे ये हो गया, अप्लाई कर देंगे तो उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। जब देखेंगे 25 वाला गायब होगा, ठीक है, इसी तरीके से ये सब कर लिया हमने और हमारा कैलेंडर ऑलमोस्ट सही चल रहा है। अब फॉर्मूला बनाते हैं, वैल्यू फीड करने का, कि अटेंडेंस भी इतना हो गया, अब मैं फीडिंग भी करता रहूं अपने हाथ से तो ठीक नहीं रहेगा, मैं फॉर्मूले से फीडिंग कराता हूं। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो डेट है वो अटेंडेंस शुरू होनी चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है जी। तो मैं करता हूं इफ 1 जनवरी की मैंने छुट्टी दिखा रखी है,
और नहीं, एक और गड़बड़ है, उसमें मैंने फॉर्मूला फिर से गलत लगा दिया। ये जो है ना E5 नहीं, ये D5 से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। मैंने उससे अगले का कर दिया इसलिए गड़बड़ दिखा, D5 ठीक है। अब सही डेट दिखा रहा है क्योंकि 2 जनवरी दे दी थी, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला फिल करते हैं। इफ सबसे पहला है कि इफ C6 इज ग्रेटर देन, ये ऊपर वाली डेट, ऊपर वाली डेट से ज्यादा है ये, तो ब्लैंक कर दे, ठीक है जी। अब इसमें क्या लॉक करना है मुझे, कॉलम लॉक करना है, और ऊपर वाले में क्या करना है, रो लॉक करनी है, ठीक है जी। ब्लैंक कर दे, अदरवाइज क्या कर दे, पी कर दे, वैसे कर रहा हूं, बाकी हम पी अभी करेंगे सही से, देखते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, ड्रैग करके देख लेते हैं। तो डेट जो है 7 तारीख से स्टार्ट हो गई, औरों को देखेंगे 16 जनवरी तो 16 जनवरी से स्टार्ट, ठीक है जी। अटेंडेंस, तो एक फेज तो हमारा सही चल गया। दूसरा क्या करते हैं, आप ये पी की जगह हम एक और इफ लगा देते हैं, इफ अगर ये डेट जो है ग्रेटर देन है टुडे से, इसमें ऊपर वाली ये रोल ऑफ करनी टुडे से, तो इसको ब्लैंक कर दे, अदरवाइज पी कर दे, ओके। इसको ट्रैक कर लेते हैं, ओके। और देखते हैं कि आज की डेट से ज्यादा, क्योंकि आज की डेट से ज्यादा मैं चाहता नहीं कि ये एंट्री करे, तो 11 पे क्या है, टुडे पे आके रुक गई है डेट, ठीक है जी, आगे नहीं गया। यहाँ 2 जगह मैंने कर दी। अब मैं जा रहा हूं कि जहां सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, येलो वाले की है, तो मैं कंडीशन भी उसी हिसाब से लगाऊंगा कि जहां ये इसी पी की जगह जहां मैं देता जा रहा हूं ना, यही कंडीशन है, इसके अंदर ही सेट करता चलूंगा। इफ जो ऊपर वाली वैल्यू है, जहां सैटरडे संडे लिखा हुआ है, उसमें मैंने रो लॉक कर दिया, हाँ ये और के फॉर्मूले में डाल, क्योंकि जैसा कि मैंने उसमें डाला था, जैसे इक्वल टू सैटरडे और वापस ही इक्वल टू संडे, तो सैटरडे संडे तो क्या दिखाना है, वीकली ऑफ, ठीक है जी, अदरवाइज देखते हैं ड्रैग करके। सैटरडे संडे वीकली ऑफ आ गया, यहाँ पे दिखा रहा है, पर ये स्टार्ट जब ही होगा जब यहाँ पे वैल्यू होगी, मतलब जब ये इसी के बीच में वीकली ऑफ वगैरह दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। और जहां ये येलो है वहां, ये ऑरेंज है जहां हॉलीडे है, वहां अपना वही आना चाहिए, कहते हैं उसे एच आ जाए, तो हॉलीडे वाला फॉर्मूला हमने काउंट टिप करके लगाया था, बेशक से इसको कॉपी कर सकते ला सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने जहां पी लगाया है उसकी जगह मैं ये इफ का एक और फॉर्मूला स्टार्ट कर सकता हूँ, और ये कह सकता हूँ कि अगर ये ट्रू फॉल्स आ जाएगा, अगर ट्रू है तो यहाँ एच आ जाए, अदरवाइज पी आ जाए, ठीक है जी। इसको ट्रैक कर लेते हैं, देखते हैं सही आया कि नहीं आया, यहाँ डेट को
कुछ ऐसी बदल लेते हैं जैसे सात बदल लेते ताकि इसके अंदर नौ बदल लेते हैं ताकि इसके अंदर हॉलीडे दिखा दे 9 जनवरी 14। अगर हमारी डेट ऐसी कोई होती तो ये एच यहाँ पे दिखा देता। बट इसमें एक गड़बड़ हो रही है, ये दिखा तो रहा है, कलर चेंज नहीं हो रहा ना वो। हाँ कलर नहीं चेंज हो रहा, कलर एक बार एच नाइन पे दिखाना चाहिए। हाँ अरे हाँ हॉलीडे की डेट क्या दी अपन ने। ओके ओके, फिर इसमें वही वाला पंगा हो गया जो मैं कहना चाह रहा था, ये जो काउंट टेप है ना वो इस पे लग गया है। इस पे आना चाहिए, ठीक है जी। और एक साल आगे लग गया तो वो एक साल आगे ही रिजल्ट दे रहा था गड़बड़, ठीक है जी। अब सही है, अब और किसी मंथ में देखेंगे तो आपको ठीक ठाक मिलेगा ये सारा एच, ठीक है। ये सब वहीं तक चल रहा है जहां पर डेट फिल है यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ तक हो गया, हॉलीडे लगा दिया, संडे लगा दिया, टुडे में हमें कुछ स्पेशल करना नहीं है, हमने करवा रखा है। एक और चीज जो इनकी लीव है, अटेंडेंस तो हो गई फिर, पर ये अटेंडेंस तब तक कारगर है जब तक बंदा लीव ना ले। अब लीव भी फिल करानी है, लीव फिल करा दे तो एक्चुअल अटेंडेंस हो जाएगी। तो इनकी लीव के लिए मैंने क्या बनाया है कि यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन में सबकी आईडी उठवा ली है और यहाँ पे VLookup लगा के इनकी उस लिस्ट से, मतलब यहां से मैंने क्या किया, नाम उठवा लिया। तो जैसे ही एक आसानी हो जाती है मेरे पास कि जैसे ही यहां से कोई भी आईडी सिलेक्ट करता हूँ उसका नाम आ जाता है और उसकी छुट्टी की डेट डाल देता हूँ। तो छुट्टी की डेट जैसे अभी बंदा आया है जुलाई 14, तो मैं 4 तारीख को छुट्टी कर देता हूँ जो भी बंदा है, 4 तारीख को छुट्टी, 4 जुलाई को इसने छुट्टी ले ली हरीश ने, ठीक है जी। 4 जुलाई को अब इसने छुट्टी ले ली, अब फॉर्मूला सेट करते हैं कि कैसे पता पड़ेगा कि छुट्टी ली या नहीं ली। इसमें यहाँ पी की जगह एक एक का फॉर्मूला और लगा देंगे और ये चेक करेंगे। अब उधर हमारे पास क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे कि इस एम्प्लॉय ने इस डेट को ली है, क्या फैक्टर है। एक एम्प्लॉय आईडी और एक डेट, दोनों को कंकेटिनेट कर देता हूं, ठीक है जी। दोनों को कंकेटिनेट कर देता हूं तो मुझे पता पड़ेगा कि हाँ ये दो, ये बंदा था और ये डेट थी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अनहाइड करता हूं। मैंने क्या कर रखा है, जो आपके वाले WBS कोड में किया था दोनों को कंकेटिनेट कर रखा है। यहां पे अगर ये वाला नॉट इक्वल टू ब्लैंक है यहाँ की वैल्यू तो ये कंकेटिनेट कर दे, तो कंकेटिनेट करके एक यूनिक आईडी जनरेट कर दे रहा है। अब ये यूनिक आईडी है इस डेट से कंकेटिनेशन है, तो डेट का जो फिगर है वो इसके साथ जुड़ जा रहा है, तो एक यूनिक कोड बना रहा है जिससे हमें नाम और छुट्टी का पता पड़ गया, ठीक है जी। अब मैंने VLookup इसके ऊपर लगाया, ठीक है जी, VLookup इसके ऊपर लगाया, अकाउंट भी लगा सकता हूँ, काउंट ही लगा लेते हैं कि इफ काउंट इफ काउंट काउंटिप में क्या करूंगा, एम्प्लॉय आईडी और वो डेट, एम्प्लॉय आईडी कंकेटिनेट ये ऊपर वाली डेट, तो ये क्या करेगा हर एक डेट में चलेगा, मतलब इन दोनों का जिस सेल में रेफरेंस होगा उनकी वो आईडी बना लेगा उस डेट से, सेम आईडी। अच्छा, पर उससे पहले ये सर्च किसी चीज में होनी थी, तो यहां पे मेरे ख्याल से मैंने उस रेंज का नाम
क्या दे रखा है, ईआईडी दे रखा होगा, ईआईडी उस रेंज का नाम दे रखा है। ठीक है, अगर ये उसके अंदर मिल जाती है जिसमें मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ए में मुझे कॉलम फिक्स करना पड़ेगा, अगले में रो फिक्स करनी पड़ेगी। ये अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या करना है, लीव लगा देनी है, अदरवाइज पी लगा देना। तो हरीश को मैंने कितने तारीख को छुट्टी दी थी, हरीश ईआईडी वही है क्या, ईआईडी किससे अटैच है देखते हैं। इसका नाम मैंने क्या ले रखा है, अच्छा ईआईडी ये है, और देखते हैं इसके क्या ले रखा है। अच्छा लीव रिकॉर्ड एलआर करके मेरे ख्याल से मैंने ले रखा, एलआर करके ले रखा, ईआईडी करके नहीं ले रखा। और मैंने सिलेक्ट करके नाम चेंज कर दिया बस, तो यहाँ पे ई आई डी की जगह मैं एल आर कर देता हूँ बस यहाँ। एल आर तो अगर वो कंकैटिनेटेड वैल्यू उसके अंदर मिल जाती है तो ये एल दिखा देगा। ठीक है जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से एक और चीज कर देते हैं, डायरेक्ट ही दे देता हूं न्यू रूल। अगर ये सेल वैल्यू कौन सी है, D6, इसमें कुछ भी लॉक नहीं होगा क्योंकि हर एक सेल की इंडिविजुअली चेक होगी। अगर ये L है तो ये क्या दिखा दे, L दिखा दे, रेड दिखा दे और थोड़ा सा बोल्ड कर दे उसको। ओके ओके, और इसको मैंने फॉर्मेट प्रिंटर से सब पे अपने दे दिया। ओके सर, तो ये सबके लीव रिकॉर्ड आ गए। ठीक है जी, लीव चढ़ गई, फुल अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम आपका बन चुका है। ठीक है सर, डेटा एंट्री अपन खुद ही मैनुअल कर रहे हैं। हाँ डेटा एंट्री अब क्या है ना कि जहां आपको पूरी की पूरी अटेंडेंस बनानी पड़ती, सब कुछ फायदा क्या है, एक फाइल में आप मेंटेन हो रहा है सारा। ठीक है जी, यहाँ लीव रिकॉर्ड है, यहाँ पे आपने क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट किया कोई भी और उसकी छुट्टी दे दी। मान लो छुट्टी लगातार 4 दिन की है, 4 जुलाई से 8 जुलाई तक, फिर हाँ तो दे दो बारी बारी करके। यहाँ से बस मैंने ये कर दिया और छुट्टी आगे डेट डालता चला गया, पर छुट्टी भी जब होगी ना, जब छुट्टी एप्लीकेबल होगी, बीच में सैटरडे संडे होगा तो वो छुट्टी तो मानेगा नहीं। अब यहाँ दे दीजिए पर वहां दिखाएगा नहीं। ठीक है जी, नहीं मतलब यदि मान एक वीक की छुट्टी है सपोज, तो डेट हर बार रिपीट करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, अब थोड़ा तो करना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, मान लीजिए रेगुलर छुट्टी है तो यहाँ से पकड़ के कंट्रोल पकड़ के खींच दीजिए, मतलब बगैर कंट्रोल खींचे ये आ गई आपकी, और ये डेट आईडी जो है वो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है जी, सीधे सीधे, अब यहाँ बीच में सैटरडे संडे इसलिए छुट्टी जैसा ले लिया। ठीक है जी, तो कर तो बहुत कुछ सकते हैं जैसा आप चाहें उसको। महेश की छुट्टी दिखाइए, ये महेश छुट्टी पे बहुत कर हटा दे। ये मैं आपको फाइल भेज देता हूँ, आप इसको देख के प्रैक्टिस कीजिए बना रहे। ठीक है जी, इसमें आपका फॉर्मूला और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे यूज करते हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ प्रोजेक्ट अपडेट हो तो